हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड, यूपी और बिहार, ये तीनों जगह पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हो चुका है, जिसमें झारखंड और यूपी वालों का एग्ज़ाम हुआ, उन लोगों का रिजल्ट भी आ गया, लेकिन बिहार वालों का भी रिजल्ट आया नहीं है। तो जहाँ यूपी और झारखंड में एग्ज़ाम हुआ, उन लोगों का अलॉटमेंट लेटर भी आ चुका है, उन लोगों का पता भी चल चुका है कि कौन सा कॉलेज मिला और नहीं मिला, और कौन कौन सा कितना मार्क्स लाए, ये सब पता चल चुका है। और झारखंड में कल आया है, तो वो जो भी अभी तक अपना अलॉटमेंट लेटर नहीं देखे होंगे, वो अपना अलॉटमेंट लेटर देख लीजिए। और उसमें आप लोगों को दिया हुआ रहता है कि कौन सा कॉलेज, जो आप लोग जिस समय रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो उस समय जो कॉलेज प्रेफरेंस दिए होंगे, कॉलेज चूज किए होंगे, उसके साथ जो ब्रांच चूज किए होंगे, वो चीज़ लिखा हुआ रहता है कॉल लेटर में। कि कॉल जो ये अलॉटमेंट लेटर रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि उसमें आपको कौन सा ब्रांच मिला है और कौन सा कॉलेज का ब्रांच मिला है, गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, वो चीज़ आपको अलॉटमेंट लेटर में दिया हुआ रहेगा। और यूपी वालों का भी तो आ ही चुका है, उन लोगों को भी पता चल चुका होगा कौन सा ब्रांच मिला है या नहीं मिला है। और झारखंड वालों, आप लोग अपना ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कब कौन सा ब्रांच आप लोग को मिला है और कौन सा कॉलेज में मिला है। और एक चीज़ आप लोग को बोल रहे हैं कि जिनका भी गवर्नमेंट कॉलेज या जो भी प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज या जो भी प्राइवेट कॉलेज मिला है और कौन सा ब्रांच मिला है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। क्योंकि उससे फ़ायदा क्या होगा, आप लोग को भी फायदा होगा कि अगर जो जो मेरे रिलेटेड होंगे, मतलब जो ब्रांच को हम पढ़ाते हैं, अगर वो ब्रांच आप लोग को मिला होगा, तो उसको पढ़ने में आप लोग को सुविधा होगी। क्योंकि वो ब्रांच हम कं वो ब्रांच मिला होगा, जैसे सिविल ब्रांच मिला हो या मैकेनिकल ब्रांच मिला हो या इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला हो, तो ये सब में क्या है कि आप लोग को टोटल इसी चैनल पे आप लोग को शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक सब्जेक्ट का जो भी ब्रांच पेपर रहेगा, उसका टोटल वीडियो आप लोग को कॉन्सेप्ट के साथ मिल जाएगा इसी चैनल पे। और रही बात कि अभी, क्योंकि अभी तो एडमिशन हुआ नहीं है, और रही बात कि एडमिशन कैसे कराना है, तो झारखंड वालों का तो एडमिशन अभी होगा नहीं, क्योंकि 1-2 दिन अभी लेट होगा, उन लोग का कुछ अपना डॉक्यूमेंट भी लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि जिनको अच्छा ब्रांच मिला हो, इसके सब ब्रांच तो अच्छा ही रहता है, अच्छा कॉलेज मिला हो सब, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो झारखंड वाले हैं, ये झारखंड वालों के लिए थोड़ा सा बताते हैं, ये झारखंड वाले हैं जिनका अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, वो आप अगर वो कॉलेज लेना चाहते हैं, वो ब्रांच लेना चाहते हैं, तो आप लोग को 8 से 9 के बीच में आप लोग को पैसा पेमेंट करना होगा। 1,000 रुपया पेमेंट कीजिए, 1,000 पेमेंट कीजिएगा तो आपको बस एक सीट कंफर्मेशन का एक और पेज खुलेगा, जो आप लोग को सीट कंफर्म कर देगा कि हाँ, आप उस कॉलेज में जाकर आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो वो चीज़ जैसे ही 1,000 रुपया आप लोग पेमेंट कीजिएगा, और वो 1,000 कहाँ से पेमेंट करना, वही JCECEB के साइट पे जाना है। और वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, JCECEB साइट पे जाइए, वहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है कि ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर पॉलिटेक्निक एंट्रांस कंपटीशन एग्जाम, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे अपना रोल नंबर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और कैप्चा डालिएगा, तो आप लोग को आगे बढ़ा देगा। आगे बढ़ेगा तो वहाँ पे फ़ी का स्ट्रक्चर कुछ दिया हुआ रहेगा, वहाँ फ़ी पेमेंट कीजिएगा, फ़ी पेमेंट कीजिएगा तो उसके बाद तुरंत आप लोग को एक कन्फर्मेशन पेज दे देगा। वो कन्फर्मेशन पेज को प्रिंट आउट करा के, जहाँ जो कॉलेज में दिया हुआ है वो कॉलेज में जाइए, तो उसका भी एक डेट फिक्स है कि इतना से इतना दिन तक एडमिशन होगा, वहाँ जाइए और वहाँ आराम से आप एडमिशन करा सकते हैं। और उसके जो अलॉटमेंट पेपर मिलेगा कन्फर्मेशन वाला, उसके साथ साथ और सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, केवल वही उसी से एडमिशन नहीं होगा। तो उसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी देखिए, वो भी बता देते हैं इसी वीडियो में। तो यहाँ देखिए क्या क्या लेके जाना है, अगर जब आप लोग को अलॉटमेंट मिल जाएगा, अलॉटमेंट शीट मिल जाएगा, एक्सेप्ट द अलॉटमेंट मिल जाएगा आप लोग को, तो उसके बाद क्या क्या उसके साथ लेके क्या क्या जाना वो देखिएगा। सबसे पहले आप लोग तो अपना एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, 10th में जो एडमिट कार्ड आया होगा, और जो इस बार 10th का एग्ज़ाम दिए होंगे उन लोग का भी एडमिट कार्ड आ चुका होगा, तो आप लोग 10th का एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। इसके बाद एडमिट कार्ड तो मिल ही जाता, पहले ही मिल जाता है। इसके बाद मार्कशीट, मार्कशीट थोड़ा लेट से आता है, वो भी आ ही गया होगा, मार्कशीट ले लेना है, एडमिट कार्ड ले लेना है। इसके बाद अलॉटमेंट लेटर, जो 1,000 पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद जो एक कन्फर्मेशन अलॉटमेंट पेज देगा उसका PDF, उसको जेरोक्स करा के ले लीजिएगा। इसके बाद 10th सर्टिफिकेट, ये तो हो गया, 10th सर्टिफिकेट में क्या क्या, एडमिट कार्ड था और मार्कशीट था, ठीक। इसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो भी जहाँ का रेसिडेंशियल होगा वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। और एसएलसी ज़रूर लीजिएगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि जो कॉलेज 10th में पास आउट हुए होंगे,
तो वहाँ से जो एसएलसी दिया होगा, क्योंकि कॉलेज में जाइएगा एडमिशन कराने तो वहाँ एसएलसी जरूर खोजेगा, और अगर जो 12th से कर रहे होंगे पॉलिटेक्निक तो उन लोग अपना सीएलसी ले लीजिएगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होगा वो अपना ले लीजिएगा। इसके बाद और क्या था, कास्ट सर्टिफिकेट है जो आप लोग जिस रिलीज मतलब जो कास्ट से बिलोंग करते हैं, एसटी एससी ओबीसी BC1 BC2 जिससे भी बिलोंग करते हो वो ले लीजिएगा। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट जो TFW कोटा से लिए होंगे, जो TFW कोटा से फॉर्म भरे होंगे उन लोग, आप लोग इनकम लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इनकम सर्टिफिकेट नहीं लीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, एडमिशन नहीं होगा। इसके बाद और सर्टिफिकेट बनता है, एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, एक मेडिकल सर्टिफिकेट, एक गैपिंग सर्टिफिकेट। ये क्या होता है, देखिए एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, जैसे आप लोग कॉलेज में जिस समय एडमिशन लेने जाइएगा उस समय आप लोग जूनियर बन के जाइएगा, सीनियर तो अभी बनिएगा नहीं, तो जिस समय जूनियर बन के जाइएगा उस समय सीनियर लोग थोड़ा रैगिंग लेगा, तो वो रैगिंग आप उन लोग, ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट होता है कि उन लोग आप लोग को रैगिंग नहीं लेगा, नहीं लेगा कोई भी सीनियर हो वो जूनियर को रैगिंग नहीं लेगा, और आप जिस समय सीनियर बनिएगा आपको भी जूनियर को रैगिंग नहीं लेना है, इसलिए ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनाया जाता है। रैगिंग क्या होता है वो जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइएगा तो पता चल जाएगा। इसके बाद एक और है मेडिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बना लीजिएगा, और वो भी कौन डॉक्टर से जो MBBS का डिग्री ले चुका है उससे बनाइएगा, क्यों अगल बगल कहीं से भी बना सकते हैं, केवल डॉक्टर का मोहर लगा रहना चाहिए, MBBS का डिग्री रहना चाहिए उसके पास, और वहाँ से आप लोग जाइए लिखवा लीजिए उससे, वहाँ से हो जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट। एक गैपिंग सर्टिफिकेट है, गैपिंग सर्टिफिकेट क्या, गैपिंग सर्टिफिकेट जैसे कि मतलब कि 10th का कोई बंदे एग्जाम दिए, इसके बाद क्या किया कि 1 ईयर वो बैठ गया, 1 ईयर कुछ नहीं किया, इसके बाद 1 ईयर के बाद वो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा और इसके बाद फिर वो पॉलिटेक्निक क्वालिफाई किया, तो वैसे बंदे के लिए जो वन वन ईयर गैप हुआ उसके लिए गैपिंग सर्टिफिकेट बनता है, तो वो चीज़ बना लीजिएगा। और ये गैपिंग सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ये चीज़ आप लोग को कोर्ट में बनेगा, कोर्ट कचहरी जो होता है वहाँ पे बनेगा, वहाँ से आप लोग ये सब बना लीजिएगा, इतना चीज़ आप लोग जरूर ले लीजिएगा साथ में, तब वहाँ जाके एडमिशन कराइएगा, नहीं तो अगर वहाँ जाके फिर ये सब नहीं रहेगा और एडमिशन कराने जाइएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, इधर उधर दौड़ाएगा पूरा कि बना के लाइए ये कीजिए वो कीजिए, तो ये सब जितना भी बताएं ये सब जरूर बना लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बहुत लोगों के पास, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते रहता है कि सर कब से स्टार्ट होगा नहीं होगा, तो आप लोग शेयर वेयर करते नहीं हैं, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो, क्योंकि ये चीज़ आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं जो जिनको छूट जाता है, जिनको पता नहीं चलता है कि कब क्या होगा, कौन सा डेट में क्या होगा, जिनके पास कॉन्टेक्ट नंबर हो तो सीधे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास कॉन्टेक्ट नहीं है उन लोगों को छूट जाता है, इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक जहाँ हो सके शेयर कर दीजिए, ठीक। और अगर कोई भी डाउट हो तो डाउट बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताइए, वहाँ आप लोगों को सब डाउट का सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक। थैंक यू।